ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सितंबर 23। क्वेश्चन 1 बहुत ही सिंपल। करो इसको सिमुलेशंस। एक्सपोनेंशियल 3 डिस्ट्रीब्यूशन, साइज इज 10। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यू शुड हैव, कीप इट, यू मस्ट यूज। सीड वैल्यू दिया हुआ है। सो वेरी सिंपल, कौन सा फंक्शन? बट अगर आप एक चीज देखो, इन्होंने ना एक चीज क्लियरली बोला है, यूजिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब दे डोंट वांट यू टू यूज अ फंक्शन स्पेसिफिक। तो हम लोग जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फ्रॉम स्क्रैच जैसे थ्योरी में करते वैसे करेंगे। सो बेसिकली 10,000 सैंपल्स बोला है फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 3, ईच ऑफ साइज 10। कैसे बोले पता है? 10 10 का साइज का आपको 10,000 सिमुलेशंस करना है। तब आप अभी तक आपने क्या किया था? 10,000 सिमुलेशंस ऑफ साइज 10, उसका मीन निकालने बोल दिया या वेरियंस निकालने, बट अभी इन्होंने स्टोर करने बोला है। सो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी इन अ वन डायमेंशनल वेक्टर, इट नीड्स टू बी अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसा बनाएंगे? दो दो तरीके से बना सकते हो। यू कैन हैव 10,000 कॉलम्स, ईच कॉलम हैविंग 10 वैल्यूज, और यू कैन हैव 10,000 रोज, ईच रो हैविंग 10 कॉलम्स, एनी विच वे यू कैन डू। ठीक है, एंड अनदर थिंग, इन्होंने क्लियरली बोला है यूजिंग एन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सो यू कैन नॉट यूज REXP। आपको फ्रॉम स्क्रैच वाला फंक्शन यूज करना होगा। बेसिकली आपको FX इक्वल्स U करना होगा एंड एक्स को निकालना होगा। अब एक्सपोनेंशियल में आपका FX क्या होता है? e^(1 − e^−x λ = u। तो एक्स क्या हो गया? जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, दैट्स योर एक्स। तो एक्स का आपका वैल्यू आपको उस तरीके से निकालना है। ठीक है, सो लेट्स डू, व्हाट वील डू इज वील हैव 10,000 रोज एंड 10 कॉलम्स, दैट्स हाउ वील डू इट। क्योंकि यूजुअली वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम एक। सो दिस इज माई सीड वैल्यू। आई टेक एन एज द लैम्डा, ले लेंगे कैपिटल एल विच इज 3, एंड देन आई मेक अ मेट्रिक्स। दिस मेट्रिक्स विल बी ऑल 0। तो इसमें हम एक काम करते हैं, M1 में डाल देते हैं ये मेट्रिक्स सब जीरोस का। तो 0, कितने मुझे रोज चाहिए? एन रो नीड्स टू बी 10,000, एंड एन कोल मेंशन करना पड़ेगा। अब ये जब रन करोगे, एन लिख दो, ये जब रन करोगे तो एक बहुत ही बड़ा मैट्रिक्स देखो बन रहा है, लार्ज मैट्रिक्स ऑफ 10,000 एलिमेंट्स, ऑल हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0। नाउ वील यूज अ फॉर लूप फॉर आई इन, क्योंकि हमें हर वैल्यू के लिए और मे बी हर रो के लिए हमें 10 वैल्यू जनरेट करने है ना। हर रो के लिए आपको 10 वैल्यूज जेनरेट करने हैं। कैसा बन रहा है? इफ यू ऑल कैन विजुअलाइज, 10,000 रोज एंड 10 कॉलम्स है। तो रो वाइज हम सिमुलेशन करें। सो 1 in 1 से 10,000। सबसे पहले हम लोग यू निकालेंगे, 10 u का वैल्यूज चाहिए हमें। तो u का वैल्यूज REUNF से निकलेगा, n विच इज 10, 0, 1। उप्स सॉरी, ये मुझे रन नहीं करना था। चलो कोई नहीं, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्स के वैल्यूज निकालेंगे, एंड ये एक्स के वैल्यूज हम लोग M1 में डालेंगे। तो ये जो एक्स के वैल्यूज हैं वो कैसे निकलेगा? कैन एनीवन टेल मी द इक्वेशन? 1 − e^−λx = u है, तो वो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस उधर चला गया, 1 − u, लॉग ले लो, लॉग ऑफ 1 − u एंड बाय लैम्डा, एंड माइनस आ जाएगा एक बाहर। तो माइनस ऑफ लॉग 1 − u डिवाइडेड बाय कैपिटल एल लैम्डा, ये आपका एक्स आ गया। अब आपके 10 वैल्यूज आ गए एक्स में। अब ये 10 वैल्यूज आपको M1 का फर्स्ट रो में डाल देना है। सो M1 आईथ रो ऑल कॉलम्स, इसमें आप एक्स डाल दोगे। इज इट क्लियर? एनी डाउट प्लीज टेल मी। फंक्शन में MI M1 है, सॉरी।
एनी डाउट पूछो, क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे चले, देख लो. दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ द मीन्स ऑफ सैंपल्स जेनरेटेड इन पार्ट वन. 10,000 सैंपल है, उसका मीन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन आर फॉर प्लॉटिंग द हिस्टोग्राम ऑन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्केल. तो सबसे पहले तो इस पूरे मैट्रिक्स का, जो हमारा मैट्रिक्स आ रहा है, प्लीज डोंट रन दिस, बहुत ही बड़ा मैट्रिक्स आ रहा है. तो अगर मैं आप लोगों को विजुअलाइज करा दूं, देखो 10,000 रोज है एंड 10 एंट्रीज है, तो हर एक रो का हमें मीन चाहिए एंड उस मीन को हमें बनाना है. सो फर्स्ट लेट अस क्रिएट अ वेक्टर एक्स बार, जहां हम लोग मीन ऑफ ऑल द रोज निकाल रहे हैं. हमने अभी जस्ट पहले वाले क्लास में अप्लाई फंक्शन सीखा है. अप्लाई फंक्शन में सबसे पहले आप देते हो मैट्रिक्स, फिर आपको कौन से जगह पे रो वाइज जाना है. तो आप यहाँ पे देखो अप्लाई फंक्शन है, मैट्रिक्स, आपको रो वाइज जाना है. तो आप क्या करोगे, आप रो डालोगे एंड देन यहाँ पे आपको मीन निकालना है, तो आप सिंपली मीन लिखोगे. ठीक है, इसको रन करेंगे. अपना एक्स बार आ गया 10,000 वैल्यूज का. कौन सा फंक्शन, हिस्ट फंक्शन यूज करेंगे एंड हिस्ट फंक्शन यूज करके वी मेक अ प्लॉट ऑफ एक्स बार. सो एक्स बार एंड दे हैव टोल्ड अस टू प्लॉट अ फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी. सो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स, फॉल्स कर देंगे, टाइटल दे देना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ 10 वैल्यूज या सिमुलेशंस फ्रॉम, या फिर ऐसे लिखो 10,000 मीन ऑफ 10 वैल्यूज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल क्या था 3. ठीक है, वैसे करके आप लोग टाइटल दे देना. तो ये आपका आ गया डेंसिटी. क्लियर? देख लो, कोई डाउट? फर्स्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट था. व्हाट वी यूजुअली डू, हम ये मीन इसी में निकाल लेते थे, तो हम लोग के लिए इजी हो जाता था. हम यहीं पे एक वेक्टर बना लेते थे एक्स बार. अब एक्स बार इन्होंने अलग से बनाने बोला है, पहले एक मैट्रिक्स बनाने बोला फिर एक्स बार. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लॉट द पीडीएफ ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एंड द सीएलटी. तो एक्स बार फॉलोज व्हाट, नॉर्मल, हाउ मच, कौन बताएगा? इस केस में एक्स बार विल फॉलो व्हाट? म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर बाय एन. व्हाट इज म्यू इन दिस केस? 1/3. क्योंकि 1/ लैम्डा होता है मीन, और वेरियंस क्या होता है एक्सपोनेंशियल का? 1/9. 1/3 स्क्वायर 1/9 बाय एन बाय 10 हो गया, तो 1/90 हो गया. अब इसको सुपर इम्पोज करने बोला है, तो पहले हम लोग को x के वैल्यू चाहिए, तो x वैल ले लेंगे. कहां से कहां जा रहा है x वैल? जीरो से वन के अराउंड जा रहा है. देखो ये जीरो हो गया, ये एकदम 0.8, तो ये जीरो से वन के उधर जा रहा है. Give me a second. Lines xval, comma denom. वन बाय थ्री स्क्वेयर रूट ऑफ 1/90. ठीक है,
ये हो गया, इसको अगर रेड कलर करना है आप रेड कलर कर सकते हो। कर्व इज द, जो कर्व प्लॉट किया एग्जैक्ट पीडीएफ है ऑफ योर यूजिंग सीएलटी। कमेंट ऑन द शेप ऑफ द, कमेंट ऑन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन इन द एप्लीकेशन ऑफ सीएलटी। तो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो मीन का ये आ रहा था, दिस डज नॉट लुक सिमेट्रिकल, ठीक है। एंड आपने जो इसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया है, हम लोग जो प्लॉट देख रहे हैं वो बहुत सिमेट्रिकल इसीलिए नहीं है, बिकॉज द सैम्पल साइज इज वेरी स्मॉल, इट इज ओनली अ सैम्पल ऑफ 10। तो जब आप 10 सैम्पल साइज यूज करके मीन का आप सीएलटी यूज करके उसका आप बनाते हो, सीएलटी यूज करते हो उसको नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लेते हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा आंसर नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू इंक्रीज द सैम्पल साइज इन ऑर्डर टू यूज अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, व्हिच इज वैलिड व्हेन यू हैव अ हायर सैम्पल साइज, ठीक है। डज नॉट लुक सिमेट्रिकल, आप लोग को बोलना है ये चीज। एक बार क्विकली यस या थम्स अप दे दो इफ इंटायर क्वेश्चन इज क्लियर प्लीज, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहला पार्ट एक्चुअल में डिफिकल्ट था, हमने किया है इस टाइप का, बट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन उतना नहीं किया है, एंड एट द सेम टाइम हमने ऐसे मेट्रिक्स नहीं बनाया। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू गिव अ थम्स अप क्विकली। वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड, चलो ग्रेट। बाकी सब वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन अ थम्स अप, चलो नेक्स्ट। हाँ बोलो ध्रुव। मैम, आपने जो आखिरी में लिखा था फर्स्ट पार्ट में M1 I कॉमा, ये कैसे हुआ? ये वाला यस मैम, यहां तक क्लियर है? यस मैम, एक्स में कितने वैल्यूज आ गए? मैम एक्स में तो मतलब 10,000 मतलब सैंपल्स हैं हमारे पास, तो एक्स में 10,000 वैल्यूज हैं, न... ईच लूप रन कर रहे हैं तब। एक्स में कितने वैल्यूज हैं? फिर कैसे क्लियर हुआ बताओ, कितने वैल्यूज हैं? यू में कितने वैल्यूज हैं? मैम यू में 10 है ना? यू में 10 है, तो यस मैम, यहां पे यू की जगह 10 डालोगे, 10 वैल्यूज, तो एक्स में भी तो 10 वैल्यूज आ जाएंगे। ओके ओके, यस मैम, तो एक्स में 10 वैल्यूज हैं, और ये हमारा मैट्रिक्स कैसा बन रहा है? 10,000 रोज, 10,000 रोज है, यस मैम, 10 कॉलम्स, तो ईच रो में हमें एक्स एक्स एक्सेस डाल देना है ईच टाइम द लूप रन्स। तो इसीलिए M1 ये इंडेक्सेशन हमने किया, बिकॉज इट्स अ मैट्रिक्स। ith रो ऑल कॉलम्स, ith रो ऑल कॉलम्स इक्वल्स टू एक्स, तो ith रो में आपका पूरा वो 10 वैल्यूज आ गया। ओके ओके मैम, यस। हाँ मुस्कान, हमने इसमें सीएलटी वाली जो लाइन बनाई है वो सिमेट्रिकली लग रही है, मतलब हिस्टोग्राम जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे तो सिमेट्रिकली लग रही है। कहाँ से मेट्रिकल है ये पॉजिटिवली स्क्यूट के टुवर्ड्स है बार्स। और मैम तुमने ये तो नॉर्म, बार में नहीं, तो कर्व जो की बात कर्व तुमने जो कर्व बनाया है वो तो तुमने डी नॉर्म यूज किया है ना, तो वो तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सिमेट्रिकल लगेगा, बट बार्स थोड़ी लग रहे हैं, तुम्हें कंपेयर करना था ना। तो फिर साइज के बारे में कह रहे हैं ना कि साइज बड़ा होता तो हमारा जो सीएलटी वाला अप्रोक्सीमेशन होता उसका सिमेट्रिकल ज्यादा होता। हाँ, बिकॉज तुम क्या कर रहे हो, ये जो लाइन है तुम लाइन तो डी नॉर्म यूज कर रहे हो ना, तो ये तो तुम ले रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो नॉर्मल ही बनेगा। बट जो तुम्हारे बार्स हैं वो तो तुम्हारे, वो तुमको दिखाने की वेदर योर बार्स आर सिमिलर टू द लाइन और नॉट, इट्स नॉट, यू कैन क्लियरली सी इट। इसका पीक इधर है, इसका इधर, इट्स पॉजिटिवली है थोड़ा, और इसका भी अगर तुम देखो ये नॉर्मल पूरा इसीलिए भी नहीं है, ये जो लाइन चार्ट है ये देखो यहाँ पे पूरा टच हो जा रहा है, एंड यहाँ देखो ये टच भी नहीं हो रहा, सो इट्स समवॉट पॉजिटिवली स्क्यूड, ओके मैम, है ना। ये लाइंस भी देखो, टेल्स भी देखो, एक्स बार ओ मीन्स एम, हाँ यू कैन डू दैट, वेरी गुड। सो लवीना ने बोला है इंस्टेड ऑफ यूजिंग अप्लाई फंक्शन कैन वी यूज रो मीन्स, यस एब्सोल्युटली वी कैन यूज रो मीन्स, सेम आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
A researcher wants to investigate the proportion of electric cars among all the registered cars in two large populations. Two samples are considered. पहला सैंपल है 100 रजिस्टर्ड कार्स का, सेकेंड वाला है 1200 कार्स का. इज इट डिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ अदर कार्स इन द सैंपल. सिमिलेट द टू सैंपल्स इन आर यूजिंग अज्यूमिंग दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन प्रपोर्शन ए इज 0.2 एंड इन प्रपोर्शन पॉपुलेशन बी इज दिस. सेव द सिमुलेटेड सैंपल्स फॉर लेटर यूज. You must use the command z.cd. ये कौन सा फंक्शन यूज करने बोल रहे हैं? पहले तो बताओ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बोला है हमें. बोलो बोलो कौन सा. वेरी गुड मुस्कान, पवन मुस्कान, वेरी गुड. इट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. 900 कॉमा दिस, 1200 कॉमा दिस. आपको कितने सिमुलेशंस करने बोले हैं? उतना ही सिमुलेशन कर, एक ही सिमुलेशन करना है कि कितना करना है? आपको पूरा डेटा रेडी करना है ए का एक्चुअल में. तो आपको 900 वैल्यू सिमुलेट करने हैं एंड आपको पॉपुलेशन बी में 1200 वैल्यू सिमुलेट करने हैं. ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या हो गया, प्रपोर्शन ऑफ कार्स बीइंग, मतलब वन कार बीइंग इलेक्ट्रिक कार इज बाइनोमियल 1.02 एंड प्रपोर्शन ऑफ द इन पॉपुलेशन बी ऑफ वन कार बीइंग अ इलेक्ट्रिक कार इज बाइनोमियल 1.025. आपको टू सैंपल्स बनाने हैं फ्रॉम स्क्रैच. तो हम लोग क्या करेंगे, आई यूज द सीड वैल्यू फर्स्ट. ठीक है, आप ए बनाओगे कैसे, आर बाइनोम 900, 1, 0.02. ये आपके 900 ए में वैल्यूज आ जाएंगे, देख लो. ए में आपके 900 वैल्यूज आ गए, जहां पे 0, 0 का मतलब कि वो इलेक्ट्रिक कार नहीं है और 1 आएगा मतलब वो इलेक्ट्रिक कार है. ठीक है, 0 का मतलब वो इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि क्लियरली क्या बोला इन्होंने कि द टाइप ऑफ ईच कार इलेक्ट्रिक और नॉट. इलेक्ट्रिक है तो 1 नहीं, मतलब इट्स लाइक 1 लाइफ इज देयर, वेदर द पर्सन विल डाई और विल बी अलाइव. डाई होगा 1, अलाइव होगा 0 फॉर एग्जाम्पल. तो आपको ऐसे 500 लोगों का करना है सिमुलेशन. तो 500 इंटू 1, तो आप क्या बेसिकली हर एक लाइफ का क्या कर रहे हो, बाइनोमियल 1, P. इट्स लाइक अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ओनली बट फॉर एन ट्रायल्स. तो हम लोग इसीलिए आर बाइनोम यूज करें एंड सेम वील डू फॉर बी, जहां पे हो जाएगा आपका 5, 1200 करना है बी का, देख लो. ठीक है, यू कैन मे बी चेक द हेड ऑफ ए, हेड ऑफ बी. क्यों जीरोस आ रहे हैं? बिकॉज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जीरो. 1 का प्रोबेबिलिटी खाली 2% है और इसमें 2.5% है, वेरी लो. क्लियर? कुछ डाउट है तो प्लीज बीच में पूछ लेना, बिकॉज दिस पेपर इज एक्चुअली अ लिटिल ट्रिकी पेपर. नेक्स्ट बोले द, हाँ मैम, ये 1 क्यों लिखा है? वही तो अभी समझाया कि 900 सिमुलेशंस निकालने हैं और हर सिमुलेशन इज बेसिकली या तो 0 होगा या तो 1 होगा. बाइनोमियल आप लोग अपना टेबल बुक खोलोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने वैल्यूज एक्स के पॉसिबल होते हैं, 0, 1, 2 डॉट डॉट एन तक जाता है. तो एन अगर 1 कर दें तो कितने वैल्यूज पॉसिबल हो गए, 0 या 1. तो हमें 0 या 1 ही चाहिए आउटपुट. 0 का मतलब इलेक्ट्रिक कार नहीं है और 1 का मतलब वो इलेक्ट्रिक कार है. Got it? तो अगर 900 वैल्यूज निकालने तो कैसे निकालेंगे? और आप यहाँ पे 1, 900 करोगे तो उसका क्या मीनिंग होता है कि आप 1 सिमुलेशन निकाल रहे हो कि 900 कार में से. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस? सुनो,
आर बाइनोम 900,1,0.02, इसका मतलब है आप 900 सिमुलेशंस करियो, ईच सिमुलेशन मीनिंग 0 या 1 होगा. अगर सेम चीज हम ऐसे लिखे 1,900,0.02, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि आपका एक वैल्यू जो है वो ही आएगा, दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउट ऑफ 900 टोटल व्हीकल्स. ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमने एक हमने हमने किया था क्लास में, जब हमने बर्नौली एंड बाइनोमियल को कंपेयर किया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर. सेम सिमिलर है ये. तो जब आप 1,900,0.02 करते हो, इसका मतलब है एक सिमुलेशन आ रहा है, दैट मींस हाउ मेनी कार्स आउट ऑफ द टोटल कार्स आर इलेक्ट्रिक कार्स. ठीक है. नेक्स्ट बोला है द ट्रू प्रपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स आर अननोन. हम लोग को एग्जैक्ट पी का वैल्यू नहीं पता, एंड द रिसर्चर वॉन्ट्स टू एस्टिमेट दैट एग्जैक्ट पी का वैल्यू. हमें पी हैट पता है खाली, दीज टू आर पी हैट. Determine 99% confidence interval for the difference in the true proportions of the electric vehicle vehicle proportions using a sample data. मतलब ये वो prop dot test use करते थे, उस type का use करके हमें बताना है. Test statistics याद है किसी को? क्या होता था? P hat. P hat A minus P hat B minus P A minus P B upon P hat A into Q hat A by N A. S मैम root under में होगा, और plus P hat B into Q hat B by N B. P hat A minus P hat B Q hat B. नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है ना. तो पी हैट ए माइनस पी हैट बी हो गया, प्लस माइनस ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है? नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल. तो प्लस माइनस जो भी आपका वो वैल्यू आ रहा है 99.9.5% वाला, क्योंकि टू साइडेड है, इनटू क्या करेंगे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिफरेंस. तो वो जो डिनोमिनेटर में जाता है वो क्या होता है? P hat A into Q hat A divided by N A plus P hat B into Q hat B by N B. वही होता है उसका पूरे का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में, दैट्स द वेरियंस. तो ठीक है, तो P hat निकाल लो. P hat A, P hat A इज बेसिकली आप इसको, आपको किससे निकालना है? आपको ये सिमुलेशन से ही निकालना है. ट्रू वैल्यूज आपको नहीं गिवन. आपको मान लो ए और बी सैंपल गिवन है, इससे अब आप कैसे निकालोगे? इससे आप निकालोगे ऐसे, सम ऑफ ए डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए. तो जब आप सम ऑफ ए कर रहे हो, आप टोटल वंस को गिन रहे हो, सारे वंस को, विच इज योर एडिंग अप द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड दिस इज द लेंथ विच इज ऑब्वियसली 900. तो ये आपका आ गया पी हैट ए, देख लो ऐसा कुछ. सिमिलरली वील टेक आउट पी हैट बी. या आ गया आपका पी हैट बी. अब आप स्टैंडर्ड एरर जो हम लोग निकालते हैं वो निकाल लो, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ पी हैट ए इंटू वन माइनस विच इज पी क्यू हैट ए एक्चुअली. सो पी हैट ए हो गया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए, ये प्लस बी का. अगर किसी को अभी भी याद नहीं आ रहा है, प्लीज क्विकली ओपन योर नोट्स एंड चेक. देख लो ये आपका स्टैंडर्ड एरर आ गया. अब हम लोग सिंपली कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं? पी हैट ए माइनस पी हैट बी प्लस माइनस, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसा करते हैं,
इंटू स्टैंडर्ड नॉर्मल का कहां से वैल्यू निकालते हैं, क्वांटाइल वैल्यू, क्यू नॉर्म, है ना, 99 परसेंटाइल निकालना है, तो 0.5 इधर 0.5 इधर, मतलब 0.995, एंड दिस इंटू स्टैंडर्ड एरर, दिस गिव्स यू द दोनों प्रपोर्शंस का डिफरेंस का 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल. दिस हैज अ जीरो इन इट, मीनिंग आप क्या बोलोगे कि दोनों प्रपोर्शंस इक्वल है विद अ 99% कॉन्फिडेंस. मैम इसमें प्रॉप डॉट टेस्ट क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हमें प्रॉप डॉट टेस्ट कर सकते हो, बट मैम आगे से ही रहा. प्रॉप डॉट टेस्ट क्यों नहीं यूज कर सकते मैं बता रही हूँ, बिकॉज हमें एक्चुअल बोला है ना क्वेश्चन में कि हमें ट्रू पॉपुलेशन के वैल्यूज नहीं पता, बट प्रॉप डॉट टेस्ट में एक प्रॉब्लम है, दे यूज द ट्रू प्रपोर्शन वैल्यूज, तो एंड इनका अच्छा जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है फॉर द स्टैंडर्ड एरर. इस पे देखो, आई विल शो यू. मैम आंसर सेम ही आ रहा है. यस आ रहे हैं फॉर्मूला सेम ही मैम. होता होगा, प्रॉप डॉट टेस्ट कर सकते हैं. देखो प्रॉप डॉट टेस्ट में ऐसे डालना पड़ेगा आपको, एक्स के दो वैल्यूज डालने होंगे, एन के दो वैल्यूज डालने होंगे. हमने सिमिलर किया है एक बार, एक्स आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस, सम ऑफ ए सम ऑफ बी, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी, ऑल्टरनेटिव टू साइडेड कॉन्फिडेंस लेवल आप 99% कर दो, सेम आएगा. एंड करेक्शन हम नहीं कर रहे, प्लस माइनस 0.25 नहीं कर रहे, तो इसको फॉल्स कर देना, मे बी फॉल्स नहीं किया होगा इसीलिए सेम नहीं है. मुस्कान आया आंसर, वॉट यू हैव डन उसके बाद? मैम मैंने कोड भेजा, ऐसे लिखा है मैंने. आंसर आया सेम. नो मैम. एनीवन हु इज अरे सेम नहीं, हम सेम ही तो है देखो, कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल. हाँ आई सेम ही तो आया है, क्या बोल रहे हो, सेम ही तो आया है. ठीक है, मैंने भी तो सेम ही लिखा है, बट आउटपुट ये आ रहा है जो मैंने. तो तुमने फिर सीड वैल्यू रन नहीं किया है, तुम्हारा सम में अलग आ रहा होगा इसीलिए. तुम पी हैट देखो, तुम्हारा और मेरा सेम नहीं होगा पक्का, पी हैट मैच करो. ठीक है, ये हो गया. बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज द रिसर्चर बिलीव्स दैट द प्रपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ऑफ ए इज लोअर देन बी. अब इन लोग बोल रहे हैं नया हाइपोथेसिस दे दिया कि ए का इज लेस देन बी. परफॉर्म अ हाइपोथेसिस टेस्ट टू इन्वेस्टिगेट दिस बिलीफ यूजिंग योर सैम्पल डेटा. इन डूइंग सो यू शुड इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स इन एडिशन टू एनी अदर नेसेसरी स्टेप्स. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द सुटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर द अप्रोप्रिएट नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन. मतलब अगेन वी कैन नॉट यूज प्रॉप डॉट टेस्ट, हमें फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ करना होगा. तो आपका नल हाइपोथेसिस आप क्या बोलोगे? नल हाइपोथेसिस इज योर पी हैट ए इज इक्वल टू पी हैट बी. ऑल्टरनेटिव इज पी हैट ए इज लेस देन पी हैट बी. एंड सबसे पहले तो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स निकालने बोले, तो मेक श्योर आप मेंशन कर दो पहले तो सारे नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव सब क्लियरली एग्जाम में लिख देना, एच नॉट एच वन करके. अब इन्होंने टेस्ट स्टेटिस्टिक्स निकालना है, उसके पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर जो हम लोग निकालते हैं वो होगा. कैसे निकालेंगे बताओ, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कैसे निकलेगा?
पी हैट ए माइनस पी हैट बी। हाँ वो तो सेम ही होगा ना जो अपन ने कैलकुलेट किया अभी। नहीं सेम नहीं होगा क्योंकि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द सूटेबल अंडर द अप्रोप्रिएट नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे क्लियरली बोला था आप लोगों को कि टू डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। एक अजम्पशन हम लोग बनाते हैं, इफ यू रिमेम्बर, कि वेरिएंस एक को होता है, हम लोग सेम लेते हैं दोनों उसका पॉपुलेशन का, और एक हम लेते हैं कि दोनों का वेरिएंस अलग है, तो हम लोग वो निकालते थे कॉमन वेरिएंस वाला जो टर्म निकालते थे, इफ यू रिमेम्बर, विच इज कैसे निकालते थे, याद है? पी हैट ए प्लस पी हैट बी बाय एन ए प्लस एन बी पी हैट ए प्लस पी हैट बी बाय एन ए प्लस एन बी। आई थिंक एक्स ए प्लस उस एक्स बी आएगा ऊपर न्यूमिरेटर में। एक्स यूज करना होगा, एक्स एक्स ए यूज करना होगा क्योंकि आपका दोनों प्रपोर्शन दोनों पॉपुलेशन का साइज अलग है, दोनों पॉपुलेशन का आपका साइज अलग है, तो यहाँ पे हम लोग को जो हम लोग कॉमन वेरिएंस निकालेंगे, चलो पी हैट ए है पी हैट बी है हम लोग के पास, हम लोग नया स्टैंडर्ड एरर कॉमन वाला निकालेंगे, तो एक्स बोलो क्या होगा, एक्स हैट एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, दैट्स योर कॉमन पी हैट। ठीक है, एक काम करते हैं, पी हैट कॉमन निकालते हैं, विच इज सम ऑफ ए प्लस सम ऑफ बी, दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, इसमें कॉमन ब्रैकेट्स ले लूंगी, तो ये आपका कॉमन पी हैट आ गया, ये आपका कॉमन पी हैट आ गया, देख लो, मतलब टोटल पॉपुलेशन में टोटल दोनों ए बी का मिला के कितना सक्सेसेस है, ये हो गया। अब आफ्टर दिस कॉमन स्टैंडर्ड एरर जो या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो निकालेंगे, पी हैट आपका जो कॉमन वाला है मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी हैट जो आपका कॉमन वाला है, एंड दिस एंटायर थिंग आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, नहीं पी हैट इनटू क्या करते थे, 1 बाय लेंथ, तो 1 बाय एन ए प्लस 1 बाय, याद आया ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड नॉर्मल अजम्पशन का, एक बार आप लोग खोल के देखो, आप लोग के कॉपी में है ये पूरा चीज, ये पूरा चीज का हम स्क्वायर रूट कर देंगे, सेम आप लोगों ने किया है, दिस इज द कॉमन पी हैट इनटू 1 माइनस पी हैट डिवाइडेड बाय या फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एन ए प्लस 1 बाय एन बी, ये पूरे चीज का स्क्वायर रूट लेते थे हम लोग, डू यू रिमेम्बर? यस मैम। व्हाई हैव वी डन दिस, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है अबाउट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, सो हम लोग कॉमन लेंगे। अब हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स बनेगा दैट इज नथिंग बट पी हैट ए माइनस पी हैट बी, दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय आपका जो कॉमन वाला आ रहा है। ठीक है, ये इसीलिए है बिकॉज हम लोग ने अज्यूम किया है दैट पी हैट ए इज इक्वल, देखो क्यों डिफरेंस था पता है, क्योंकि यहां जो आपने अजम्पशन लिया पी हैट ए इक्वल्स पी हैट बी का अंडर द नल हाइपोथेसिस, उसके लिए हमने इन दोनों को इक्वेट किया था, इक्वल वेरिएंस निकाला हमने, सो इफ योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इफ यू कैलकुलेट दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के बाद ऑब्वियसली पी वैल्यू निकालते हैं, सो पी वैल्यू इज व्हाट,
पी नॉर्म यूज करोगे आप लोग, लिख देना इधर पी नॉर्म टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लेस देन निकाल रहे हैं बिकॉज नेगेटिव है एंड इसको कंपेयर करना है हमें 5% से बिकॉज इट्स अ वन साइडेड टेस्ट, इनटू टू नहीं करेंगे, विच इज ग्रेटर देन 5%. सो वी से वी डू नॉट हैव सफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी कैन से दैट द टू प्रपोर्शंस आर इक्वल. देख लो बट अगर आप लोग अलग तरीके से करते हो, आप लोग सेम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हो जो यहां हमने किया, तो भी आपको मे बी 1 मार्क ही डिडक्ट करेंगे, उससे ज्यादा वो डिडक्ट नहीं करेंगे. देख लो कोई डाउट है तो पूछो. Question 3. A data science actually wants to build a linear regression model for cars. The difficulty level of paper has gone up in this particular term. So you all can expect to get this difficulty level or isse zyada difficult. इससे कम तो नहीं आएगा बिकॉज दे आर नाउ गिविंग अ लिटिल डिफिकल्ट पेपर्स इन CS1B. इसके पहले तक बहुत इजी पेपर्स आ रहे थे, तो अब धीरे धीरे दे विल ऑब्वियसली इंक्रीज द लेवल. तो ये बहुत डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगी बट बहुत कॉन्सेप्चुअल हो गया, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना पड़ेगा. सो दैट विल प्रिडिक्ट द शॉपिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन देयर स्पीड, स्टॉपिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द स्पीड. द एक्चुअली विल वर्क ऑन द डेटा सेट दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो ये इनबिल्ट है कार्स जैसे आयरिश है, तो इसको हम लोग ये यूज करके कर सकते हैं. अटैच फंक्शन आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो इट्स फाइन. लेट मी डू वन थिंग, लेट मी फर्स्ट रिमूव दीज, बहुत ज्यादा क्लमजी हो गया. सो इफ आई एम रनिंग दिस तो आपका देखो कार्स आ गया, इसको रन करते हैं. स्पीड एंड डिस्टेंस कितना, 50 डेटा सेट्स आपको गिवन है, ठीक है. द डेटा मैं अटैच फंक्शन नहीं यूज कर रही हूँ बिकॉज उससे मेरे बहुत एरर्स आते हैं, तो मैं नहीं कर रही. स्पीड माइल्स पर आर हो गया एंड डिस्टेंस इन फीट है. फिट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू द डेटा यूजिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस एज द रिस्पॉन्स एंड स्पीड एज एक्सप्लेनेटरी, ठीक है. सब कुछ स्टेट करना है, वेरी सिंपल कर लो. LM बना लो, मॉडल 1 में M1 लिख रही हूँ. हाँ बोलो मैम. मैंने जब डेटा कार्स रन किया था उसमें कार्स में प्रॉमिस लिख के आ रहा, पता नहीं कुछ नहीं, खाली कार्स करके करो और कुछ नहीं. हाँ मतलब मैम एनवायरमेंट में जो लिख के आता है वहां पर कार्स में प्रॉमिस ग्रेटर देन इक्वल लेस देन साइन के बीच में. कुछ स्मॉल सी या कैपिटल सी वैसा कुछ किया क्या? मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट ही किया क्वेश्चन पेपर्स में. नहीं एक बार यहाँ दिखाओ मुझे क्या डाला है. बस ये करना है हमें, डेटा आप कार्स भी लिख सकते थे. M1 रन करो, ये आपके इंटरसेप्ट एंड स्लोप है, ये आपको पेस्ट कर देना. इंटरसेप्ट इज दिस, स्लोप इज दिस, वैसे करके. नहीं दीपाली, इट शुड नॉट कम लाइक दिस. देन या तो एक काम करो, एक और तरीका है इसको करने का. पैकेजेस में जाओ, यहाँ पे कार्स लिखो एक बार. आई थिंक पैकेजेस में नहीं मिलता, हेल्प में. दिस इज आई थिंक इन, यहाँ कार्स एक बार लिखना. डेटा कार्स लिखने का जरूरत है भी नहीं, पता है. यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे यूज इट, एक बार ट्राई करो. जैसे हम आयरिश को स्ट्रेट अवे यूज करते हैं,
इसको लिखने का जरूरत नहीं है, तुम मैम। ये फंक्शन लिखो ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लोडेड रहता है, इसको लोड करने का जरूरत नहीं पड़ता अलग से। हम आयरिश को भी लोड नहीं करते ना, आई गेस। द एक्चुअली वॉन्ट्स टू प्रिडिक्ट द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर द 10 स्पीड वैल्यूज। तो ये स्पीड वैल्यूज के लिए उसको प्रिडिक्ट करना है, तो इसको हम लोग एक डेटा फ्रेम में डालेंगे। आ गया ना अभी? ओके okay. तो इसको हम लोग एक डेटा फ्रेम में डाल देंगे, न्यू डेटा करके, मैं न्यू में डालती हूँ खाली, डेटा डॉट फ्रेम। इसमें आप करोगे स्पीड इक्वल्स ये वैल्यूज, ये आ गया। अब आप सिंपली प्रिडिक्ट फंक्शन यूज करो, प्रिडिक्ट मॉडल न्यू एंड डेटा में लिख देंगे अपने, डेटा का जरूरत नहीं होता वैसे तो, मॉडल नॉट फाउंड। अच्छा, मैंने M1 लिखा है। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस एरर? एक बार प्रिडिक्ट डॉट एलएम यूज करती हूँ। टाटा इसमें स्पीड इफ यू डोंट यूज डॉलर साइन एंड राइट डाटा इज इक्वल टू कार्स इंस्टेड, देन यू विल नॉट गेट द एरर। डेटा इक्वल्स कार्स लिख देते हैं। हम प्रिडिक्ट फंक्शन में अटैच करना होता ना, इसलिए शायद। नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ऐसे बोल रहे हो क्या? यस मैम। हाँ, अब आ गया, बिकॉज अब वो समझ जाएगा कि डेटा, ऐसे वो वेक्टर ले रहा था, अब वो डेटा फ्रेम ले रहा है। एक्चुअली यहाँ आपने डेटा फ्रेम डाला है ना, पहले जब मैंने कार्स डॉलर डिस्ट किया था एंड कार्स डॉलर स्पीड किया था, तो वो दो डेटा वेक्टर्स ले रहा था, वो डेटा फ्रेम कंसिडर नहीं कर रहा था। बट अब वो, क्योंकि हम डेटा फ्रेम के फॉर्म में डाल रहे हैं, तो अब ऐसे वो डेटा फ्रेम कंसिडर करेगा, अटैच का जरूरत नहीं है, वो पहले वैसे करते थे। नेक्स्ट पार्ट, तो ये आपके 10 वैल्यूज आ गए। अब बोल रहे हैं द एक्चुअली इज कंसर्न्ड अबाउट द अनसर्टेनिटी अराउंड द मीन प्रिडिक्टर्स, सो कैलकुलेट द 10 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, वन फॉर ईच ऑफ द एक्सपेक्टेड स्टॉपिंग टाइम इन पार्ट टू, 90%। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला है और यहाँ हमें मीन प्रिडिक्शन बोला है। तो जैसे हमने पिछले वाले पेपर में प्रिडिक्ट में इंटरवल क्या किया था, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन क्या था, क्योंकि वो इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस इंटरवल था, यहाँ पे मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉन्फिडेंस यूज करेंगे। इफ यू रिमेम्बर दिस प्रिडिक्ट वाला चीज, देखो तो यहां आप क्या यूज करोगे, इंटरवल में आप प्रिडिक्शन के बदले कॉन्फिडेंस यूज करोगे, ठीक है? सो
इंटरवल एंड लेवल इन्होंने 90% बोला है, 95 नहीं, सो चेंज इट। देख लो ये आंसर्स आ गए सारे, ठीक है 10 आंसर्स आ गए। स्टेट द इंटरप्रिटेशन ऑफ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द स्टॉपिंग टाइम विथ स्पीड 64। विथ स्पीड 64, तो जब भी स्पीड 64 है तो हमारा मतलब 64 स्पीड मतलब लास्ट वाले के लिए बोल रहा है, तो लास्ट वाले का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आ रहा है 200 से 268 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन स्टॉपिंग टाइम, यूज द वर्ड मीन, सो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन स्टॉपिंग टाइम इज गिवन एज 200,268। फॉर द कार्स ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 64 माइल्स पर आर या जो भी था, बस ये आपको रिपीट ये लिखना है, ठीक है। कमेंट ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ द लीनियर मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स प्रोड्यूस्ड इन पार्ट 3। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग क्या बोलेंगे, अलग अलग है, देखो स्पीड इज 6-7 ऐसे, तो जब आपका स्पीड 6 है तो आपका डिस्टेंस इधर नेगेटिव चले जा रहा है, सो कैन यू हैव अ नेगेटिव डिस्टेंस, क्या आप जब स्टॉप करोगे व्हीकल को तो क्या वो पीछे जाएगा, नॉट पॉसिबल, सो दिस मे नॉट बी अप्रोप्रिएट बिकॉज द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग फॉर डिस्टेंस इज नेगेटिव। वेन यू आर स्टॉपिंग अ कार यू आर कमिंग एट अ स्पीड एंड स्टॉपिंग एंड देन वो कितना आगे जा रहे हैं वो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, बट वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इट कैनॉट गो नेगेटिव, सो नेगेटिव आंसर आने का मतलब देर इज सम glitch in your model, so it may not be appropriate for using for any purposes. Clear? Bolo. Abhi sabka answer aa raha hai. Idhar pe aapko data equals car likhna hoga kyunki wo as a data frame lega, tabhi wo is data frame ko understand kar payega and tabhi wo aapko answer dega. Attach karne ka zarurat nahi hai. Attach gives you a lot of errors in exam. So don't do that. Instead, use this approach. Next question. Question number 4. A coin is used by a referee before the start of the football game is suspected to be unfair. Hypothesis of a fair coin to be tested by tossing the coin 200 times. Declared fair agar wo 85 से 115 टॉसेस हेड्स होगा, तो 200 टाइम्स टॉस करेंगे, अगर 85 से 115 टॉसेस हेड्स हुए तो हम लोग का कॉइन फेयर है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी टू टू डेसिमल प्लेसेस ऑफ रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस ऑफ फेयर कॉइन व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू टू टेस्ट द अबव। कैसे करेंगे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप वन एरर है, ठीक है, सो यू आर सेइंग व्हेन योर हाइपोथेसिस इज एक्चुअली ट्रू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग इट इज अ फेयर कॉइन, मतलब आपका हाइपोथेसिस इज कॉइन इज फेयर, नल इज कॉइन इज नॉट फेयर, कंसिडरिंग कॉइन इज फेयर मतलब 0.5 हुआ ना आपका प्रोबेबिलिटी, ये वही चीज बोला है क्योंकि आपको वो पी वैल्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, सो दैट्स 0.5, कंसिडरिंग कि वो फेयर है, इस पूरे लाइन का मीनिंग वो सब टाइप वन एरर ये सब एक वर्ड्स दे देते हैं बट आपको कॉन्सेप्ट समझो, फेयर कॉइन का जो हाइपोथेसिस है उसको आपको ट्रू कंसिडर करना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमने लिया 0.5 हम लेंगे बिकॉज इट्स अ फेयर कॉइन, तो वो हमने ले लिया। अब वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इट इज फेयर एंड हाउ विल यू रिजेक्ट, इफ यू आर गेटिंग The number of heads, मतलब basically आपको ये निकालना है कि 85 से नीचे या 115 से ऊपर आपके heads आ रहे हैं, समझ रहे हो, so probability x is less than 85 या फिर probability x is
ग्रेटर देन 115, इन दोनों को आप, इन दोनों का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है एंड यू हैव टू राउंड इट टू टू डेसिमल्स, दैट इज व्हाट दे हैव सेड. तो कैसे करेंगे आप लोग लिख देना, सिंस यू आर अज्यूमिंग दैट द कॉइन इज फेयर, बोला है ना क्वेश्चन में यू आर अज्यूमिंग इट्स फेयर. तो हम लोग कैसे लेंगे, पी बाय नॉर्म 85 कॉमा 200 टाइम्स टॉइन कॉस्ट कर रहे हैं कॉमा 0.5, ये हो गया प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 85, बट आपको 85 इंक्लूसिव रखना है क्या, बिटवीन, इफ द फेयर कॉइन इज बिटवीन 85 तो आपको 85 इंक्लूड नहीं करना है, तो ये इंक्लूड नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल्स टू होता है इसको 84 कर देंगे. ठीक है, कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी इससे कम 85 से एंड 115 से ज्यादा, एड करो पी बाय नॉर्म 115 कॉमा 200 कॉमा 0.5, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 115. तो आप लोअर टेल फॉल्स करो, लोअर टेल फॉल्स करने से प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 115 हो गया, विच इज व्हाट वी वांट. हमें 85 एंड 115 नहीं इंक्लूड करना है बेसिकली, दैट्स व्हाई आई हैव डन इट दिस वे. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इसको रन करो, दिस इज द आंसर, बट अगेन दे वॉन्टेड टिल टू डेसिमल्स, तो राउंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राउंड कॉमा 2 0.03. कोई डाउट है तो पूछो. अच्छा, दिस वॉज पार्ट वन का ही, आप लोग लिख देना एबीसी. कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी टू टू डेसिमल प्लेसेस ऑफ द ऑफ रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस दैट इट इज अ फेयर कॉइन व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू यूजिंग द टेस्ट अबव एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन. यहां हमने एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाला है, अब हमें अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी निकालना है. मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया ना, अब हम लोग बाइनोमियल का नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करेंगे. सो बाइनोमियल 200 कॉमा 0.5 विल फॉलो व्हाट नॉर्मल, क्या होता है 200 into 0.5, 50 हो गया. ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी निकालना है, बस यहां नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, तो कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे. हमें यह करना है लेस देन इक्वल्स टू 84 या लेस देन 85 आप कर दो, विच इज लेस देन 84.5, तो 84 इंक्लूड हो गया उसमें, 85 एक्सक्लूड हो गया. हमें करना है ग्रेटर देन 115, तो ग्रेटर देन 115.5 कर दो, बस सेम थिंग. आई विल कॉपी द सेम, बस पी बाय नॉर्म के बदले पी नॉर्म हो जाएगा, 84.5 हो जाएगा, दिस विल बिकम 100 एंड दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 50. क्लियर है कि नहीं, दिस विल बिकम 0.5, ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन. ओह सॉरी, पी नॉर्म करना भूल गई मैं, इसका भी देखो 0.03 आ रहा है, टू टू डेसिमल्स इट्स करेक्ट. कमेंट तो हम लोग कमेंट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन वर्क्स वेल एंड इट विल वर्क वेल बिकॉज आपका एन एस काफी लार्ज 200
एंड हम लोग यूजली बोलते हैं एनपी शुड बी ग्रेटर देन 30, तो एनपी आपका 100 है, सो योर अप्रोक्सीमेशन वर्क्स वेल. देख लो कोई डाउट है तो पूछूं. कैलकुलेट द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी टू 24 डेसिमल प्लेसेस ऑफ नॉट रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस. मतलब अब होना चाहिए 85 एंड 115 के बीच में. कॉइन बीइंग फेयर व्हेन द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 0.7. अब आपका वो आपको अजम्पशन नहीं लेना है जो आप बोल रहे थे ना, अज्यूमिंग नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, वो नहीं लेना है आपको. इंस्टेड दे दिए, सो इंस्टेड ऑफ 0.5 यू आर टेकिंग इट एज 0.7 एंड आप सेम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हो. इनफैक्ट आप 1 माइनस दिस कर रहे हो, तो आप 1 माइनस ये कर सकते हो, या फिर आप सिंपली पी बाय नॉर्म अगेन 115 माइनस 84 वैसे करके कर सकते हो. ठीक है, सो आई विल जस्ट कॉपी. बहुत ही सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, तो इट्स बेसिक प्रोबेबिलिटी जो हमने शुरू में किया. सो दिस इज 115, प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 115 हो गया, एंड ये आप कर दोगे अगर 85, तो 85 माइनस करने से 85 भी हट जाएगा ना, तो हम 84 करें. इससे क्या होगा, x लेस देन इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी 85 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 115. 85 को इंक्लूड करना है, तो यही रखेंगे यहाँ पे, वो इंक्लूड हो जाएगा, 84 हट जाएगा बट 85 इंक्लूड हो जाएगा ना, एंड 2 डेसिमल्स तक कर दिया एंड 0.7 ले लिया प्रोबेबिलिटी, पूरा 0 आ रहा है. अच्छा नहीं, इन्होंने 4 डेसिमल्स बोला, सॉरी 0.0001, 3 जीरोस 1, दैट्स योर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, देख लूं यहां तक कोई डाउट है तो पूछो क्विकली, देन वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. All clear. Calculate the power of test to 24 decimal places for the probability of heads taking the values between this and this with a step of 0.01. You are not required to print the result. What is power of test? 1 minus type 2. 1 minus type 2. And what is type 2? Type 2 is probability of accepting H0 when H0 is false. So power of the test फिर is से बोलो, आराम से बोलो, इतना हड़बड़ मत करो, आराम से बोलो, वापस से बोलना. Power of the test is probability of rejecting H0 when H0 is false and type 2 error is... One second. Power of test is rejecting H0 when H0 is... False. ठीक है, power of test is rejecting H0 when H0 is false. फिर आगे... That is equal to 1 minus the probability of type 2 error, where type 2 error is probability of accepting H0 when H0 is false. That we calculated in part 2. So, power of test is probability of rejecting null hypothesis when null hypothesis is false, which is 1 minus type 2. And type 2 mein hum log bolte hain probability of accepting the null hypothesis when the null hypothesis is false.
तो हमने यहां पे क्या किया है, हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स. आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, दैट इट्स अ फेयर कॉइन, मतलब योर p इज इक्वल टू 0.5, बट यहां आपने p 0.7 लिया है, तो आप यहां क्या प्रूव कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स. हमें 1 माइनस दिस करना है, ठीक है, हमें 1 माइनस दिस करना है. p का वैल्यू हम लेंगे 0.1 से 0.9 तक का ईच, सो इंस्टेड ऑफ ओनली 0.7 हम 0.1 एंड विद द स्टेप वैल्यू ऑफ 0.01 बोला है, सो 0.1 0.011 0.0 0.13 वैसे करके हमें 0.9 तक जाना, ठीक है, वेरी गुड. सो वेरी गुड, आप लोगों को पता है ये चीज, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट. तो हमें पहले तो पी वैल्यूज ले लेने हैं, विच इज अ सीक्वेंस ऑफ 0.1 से 0.9 बाय हो जाएगा आप लोगों का 0.01, ठीक है. अब पावर ऑफ टेस्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये पूरा चीज देख लो, अंदर वाला पार्ट है ना, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका प्रोबेबिलिटी of accepting null hypothesis when it is false. तो ये हो जाएगा 0.7 के बदले हम लेंगे p and 0.7 के बदले हम लेंगे p, और इस पूरे का हम राउंड कर देंगे till 4 decimals. बहुत सारे values आएंगे, देखो 81 values. एंड फिर बोला है प्लॉट करने इसको अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, सो मतलब एक्स एक्सिस में पी प्लॉट होगा एंड वाई एक्सिस में पीओटी प्लॉट होगा, सो प्लॉट पी कॉमा पावर ऑफ टेस्ट, एंड ऑब्वियसली इतने सारे हैं तो टाइप एल देख लो, आप लोग लेबल कर देना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, यहाँ पे पावर ऑफ टेस्ट एंड यहाँ पे पावर ऑफ टेस्ट ऑफ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे पावर ऑफ टेस्ट वैसे भी कर सकते हैं. एंड इस पे फिर हमें कमेंट करने बोला है, तो क्या कमेंट करेंगे कि पावर ऑफ टेस्ट इज डिक्रीजिंग एज योर पी इज मूविंग फ्रॉम 0.2 से 0.5, इट इज लोएस्ट एज 0.5 एंड देन इट अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज. और पावर ऑफ टेस्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ टेस्ट, इट इज द एबिलिटी टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन योर नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, एंड दैट इज व्हाट इट सेज ना, अगर आप नल हाइपोथेसिस को फॉल्स ले रहे हो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग इट विल इंक्रीज, है ना, अगर आप नल हाइपोथेसिस को फॉल्स ले रहे हो एंड उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग इट निकालोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हाई. But when you take the 0.5 is the true null hypothesis, तो उसमें आपका power of test should be lowest. That is what you assume. बोलो clear? हाँ? देख लो, then we'll move to question 5.
डन, कोई डाउट है तो पूछू। A medical study examines the dependence of ICU admission on the number of risk factors. Medical data में सब कुछ दिया हुआ है, 16 group of patients हैं जिनका हमें rate दिया है, rate of admission to ICU, history दिया हुआ है, medical history, long history, short history, operation indicator showing if the patients in a particular group have had a recent surgical operation, जीरो या वन हुआ है नहीं हुआ है। कमोबिडिटी इज एन इंडेक्स ऑफ एग्जिस्टिंग कमोबिडिटीज इन अ पर्टिकुलर ग्रुप वन से फोर तक, एंड एज, मीडियन एज ऑफ द पेशेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। सो देयर आर 16 ग्रुप्स, ऐसे करके प्लॉट द एडमिशन रेट। चलो पहले तो इम्पोर्ट कर लेते हैं, लोड फंक्शन से मेडिकल डेटा को। ठीक है, देख लो, लोड हो गया। आई विल जस्ट रिमूव द ऑल योर स्टफ। ठीक है, ये सब कुछ इम्पोर्ट हो गया इधर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोलता है, प्लॉट द एडमिशन रेट अगेंस्ट एज व्हाइल आल्सो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द डिफरेंट हिस्ट्री लेवल्स ऑन योर ग्राफ। अभी तक हमने इस टाइप का ग्राफ आई थिंक एक बार ही किया होगा, तो किया होगा। एडमिशन रेट अगेंस्ट एज बोला है, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आइडियली हम लोग प्लॉट करेंगे एडमिशन रेट अगेंस्ट एज। तो आप क्या करोगे, सिंपली एडमिशन रेट, कहाँ गया आपका एडमिशन रेट, इज द रेट ओनली। सो रेट एज कॉमा रेट, सिंपली ये प्लॉट कर दोगे, है ना। अब यहां पे यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट हिस्ट्री लेवल्स, और हिस्ट्री लेवल्स दो हैं। तो इन्होंने हिंट दिया है कि यू कैन यूज अ पॉइंट कमांड, ऑल्सो मेक श्योर दैट ऑल द 16 रेट्स आर शोन इन योर ग्राफ बाय एडजस्टिंग द लिमिट्स। तो ऑल 16 है कि नहीं, आई थिंक ऑल 16 है हमारे पास तो एटलीस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग दिखाना है कि कौन से हिस्ट्री का कौन है। तो हम ना इस पे क्या करेंगे, आप लोग पहले तो इसका वो कर दो, व्हाट डू यू कॉल, आप लोग इसमें लेबल कर देना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड ऊपर में दे देना एडमिशन रेट्स अगेंस्ट एज, वैसे लिख देना। अब इसके बाद ना पॉइंट्स फंक्शन इज लाइक योर लाइंस फंक्शन ओनली। कैन वी डू वन थिंग, ये पूरा जो पॉइंट्स है इसका सबसे पहले तो मैं इसका ये पीसीएच चेंज करके 19 कर देती हूँ, इट लुक्स गुड। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पॉइंट्स फंक्शन पे सुपर इम्पोज कर देते हैं इसके ऊपर। आपके दो टाइप ऑफ हिस्ट्री है, वन एंड जीरो, तो हम लोग वंस को सुपर इम्पोज कर देते हैं, उसका कलर रेड कर देंगे, तो ब्लैक के ऊपर रेड आ जाएगा। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज एज, हिस्ट्री, क्या दिया हुआ है इसको ना मैं इधर पे खोल देती हूँ, बेटर रहेगा। तो हिस्ट्री इज इन कैपिटल एच, सो हिस्ट्री इक्वल्स टू वन। सेम आई डू फॉर रेट, क्या होगा इससे पता है, इससे सुपर इम्पोज हो जाएगा, जैसे लाइन्स सुपर इम्पोज होता है ना, वैसे पॉइंट सुपर इम्पोज हो जाएगा। कलर आप दे दो रेड, एंड पीसीएच आप दे दो 19। देखो ब्लैक के ऊपर अपने आप सुपर इम्पोज हो गया है, कौन से, वो सारे पॉइंट्स जिनका हिस्ट्री इज वन। बेसिकली हिस्ट्री वन होने का मतलब मेडिकल हिस्ट्री जिनका रहा है। ऑल्सो यू कैन गिव अ लेजेंड ओवर हियर इन द बॉटम राइट। लेजेंड देना सबको आता है, हमने कल सीखा है, लेजेंड बहुत बार सीखा है हमने। आप दे दोगे बॉटम राइट, टेक्स्ट में आप लोग दे दोगे विथ हिस्ट्री विदाउट हिस्ट्री, कलर में दे दोगे ब्लैक एंड रेड, एंड पीसीएच 19।
ठीक है, दैट्स हाउ यू गिव द लेजेंड. इज दिस क्लियर कैसे करना है इस टाइप का? आई थिंक सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है, बट आई वुड प्रेफर डूइंग दिस. उन्होंने अलग अलग प्लॉट किया है, उसकी वजह से लिमिट इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, बट दिस इज वॉट आई यूज. आई ऑल्सो डू दिस इन CS2, बेस्ट अप्रोच. इसमें आपको लिमिट्स चेंज करने का जरूरत ही नहीं है. आप पहले सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दो, फिर उसके ऊपर आप सुपर इम्पोज कर दो अपने जो हिस्ट्री वाले पॉइंट्स हैं. देख लो, मेक श्योर यू गिव अ गुड टाइटल्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड अ हेडिंग. अब इससे आपको वाई लेम एक्स लेम एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा. प्लॉट द एडमिशन रेट्स अगेंस्ट एज, सेम चीज, वाइल डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द ऑपरेशन लेवल्स. अब आपको सारे ऑपरेशन लेवल्स में डिस्टिंग्विश करना है, तो सेम करेंगे ना, सेम ले लो. एज अगेंस्ट रेट ही तो बोला है, रेट अगेंस्ट एज मतलब वही. एंड ऑपरेशन लेवल अपने कितने हो गए, टू लेवल्स ही हैं. चलो तो अगेन यहां पे हम लोग ऑपरेशन इक्वल्स टू वन कर देंगे. समझ में आ रहे क्या कर रहे हैं? खाली वन वही वाला एज लेंगे जहां ऑपरेशन वन है, वही वाला रेट लेंगे जहां, सेम थिंग. ये आपका ग्राफ था हिस्ट्री वाला, ये आपका ग्राफ है. तो जिनका ऑपरेशन वन, मतलब जिनका ऑपरेशन हुआ है पहले भी, उनका यूजुअली एट अ लोअर एज रेट ऑफ एडमिशन मोस्टली वो इधर है, लोअर एज वाले हैं यूजुअली, और उनका एडमिशन भी लोअर है. ठीक है ना, कैसे कर रहे हैं इसको? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, कमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल्स हिस्ट्री ऑपरेशन एज ऑन द एडमिशन रेट्स. तो क्या बोलेंगे, एज का तो हम लोग को डिस्टिंक्टली दिख रहा है कि एज योर एज इंक्रीजेस एडमिशन रेट टू आईसीयू आल्सो इंक्रीजेस, बट हिस्ट्री एंड ऑपरेशन का बहुत क्लियर नहीं है. क्योंकि अगर हम ये देखें, दिस इज आपका हिस्ट्री वाला, ऊपर भी है नीचे में भी है, तो इट्स लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको ऑपरेशन, जिनका हिस्ट्री है या जिनका हिस्ट्री नहीं है, दैट अफेक्ट्स द रेट. वेरा सेम यू कैन से फॉर ऑपरेशन ऑल्सो. यहाँ पे भी यू कैन सी ऊपर में भी है, नीचे भी रेड डॉट्स है. तो अगर ऑपरेशन हुआ है पहले, ऐसा नहीं कि उनका लो चांसेस है रेट का या हाई है, इट्स अनक्लियर है ना, इट्स नॉट क्लियरली विजिबल ओवर हियर. नेक्स्ट बोले फिटर GLM, नॉर्मल GLM मतलब गॉसियन है फैमिली, टू द डेटा टू इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ द एडमिशन रेट्स ऑन द थ्री फॉलोइंग वेरिएबल्स. यूज लॉगरिदमिक लिंक फंक्शन. तो फैमिली गॉसियन है बट लिंक लॉजिट है, लॉग है, सॉरी नॉट लॉजिट. ठीक है, कर लो, चलो M1 बना लो. हम लोग के सिलेबस में बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, बट क्योंकि बोल दिया है करने के लिए तो वील डू इट. क्या क्या था, हिस्ट्री प्लस ऑपरेशन प्लस एज, डेटा हो जाएगा मेडिकल डेटा, फैमिली
गॉसियन लिंक लॉग नॉट आइडेंटिटी. सो समरी ले लेंगे अब इसका. देखो आ गया समरी. यू हैव बीटा का वैल्यूज, इसमें से खाली सिग्निफिकेंट एज है. ऑपरेशन एंड हिस्ट्री तो बिल्कुल मतलब एकदम हाईली इनसिग्निफिकेंट है. 87 आ रहे हैं और इसका 86% आ रहे हैं. हाईली इनसिग्निफिकेंट. कमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑपरेशन तो आप वही बोलोगे कि वी कैन सी दैट हिस्ट्री डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट बिकॉज द पी वैल्यू इज वेरी हाई 86%. ऑपरेशन का 87%. बोथ द पी वैल्यूज आर सिग्निफिकेंटली हायर देन 5%. सो दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है. Does not have any significance. It's insignificant. Whereas age ka significance dekho 1% se bhi kam hai p-value. So it's highly significant age in determining the rate. Fit a normal GLM to the data including the variable commodity as a main effect in addition to the three above. So in addition to the three above hume commodity bhi include karna hai. Comorbidity. M2 लिख दो इधर पे बस एड कर देंगे comorbidity M2. अगेन देखो क्या बोला है. Again, comorbidity is 23%, not significant. Comment on the impact. Same bologe. Ki history operation insignificant as before. Commodity, comorbidity ka aapka p-value aa raha hai 23%. Again, does not have a very good significance. But comorbidity, का अगर हम देखें एक चीज गड़बड़ है इधर, क्योंकि आपका ये एज डॉट फैक्टर लेना होगा क्योंकि कमोबिडिटी का एक ही आ रहा है. बट कमोबिडिटी का लेवल्स आपका कितना सारा है इधर 4 लेवल्स है. सो एक बार ट्राई करो तो फैक्टर लेके इसको. आई थिंक मेरे में कुछ इश्यू हो गया इधर मैम. हिस्ट्री का भी उसने लिया तो फैक्टर ही है बट वो हिस्ट्री 1 है हिस्ट्री 0 ऐसे कुछ किया नहीं उसने डिफरेंशिएट ऐसे क्यों है ना. हाँ वही मैं देख रही हूँ क्यों नहीं ऐसा हुआ. अब आ गया इसमें एक्सप्लिसिटली नहीं क्योंकि नहीं लिया होगा 0-1 है ना तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को नहीं लिया होगा. कर दो हिस्ट्री एंड ऑपरेशन को भी कर दो फैक्टर क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो वो डिपेंड करते हैं आप क्या यहाँ लिख रहे हो. अगर आप लिख दोगे बाइनोमियल लिंक लॉजिट तो आपका ये अपने आप रेट जो है वो हो जाएगा. जैसे पिछले वाले समय हमने किया वो अपने आप आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली फैक्टर बन गया था. बट यहाँ पे आपका वो नहीं बन रहा है. सो यू कैन टेक फैक्टर ओवर हियर बिकॉज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को हमें बताना पड़ता है कि वो फैक्टर है कि नहीं. डिपेंडेंट वेरिएबल का तो फैमिली से समझ में आ जाएगा ना कि फैक्टर है कि नहीं. जैसे पहले वाले में हम लोग वो चेंज करके देख रहे थे सो स्टिल वी वर गेटिंग द सेम आंसर. अब देखो अब आया इधर बेसिकली 2 का क्या मतलब है 1 को ले रहे हैं वो. जैसे वो इसको 1 ले रहे हैं और इसको 2 ले रहे हैं. फैक्टर में वैसे होता है ना फैक्टर में लेवल्स जब डालते हो तो लेवल 1 लेवल 2 वैसे होता है तो वो वाला चीज कंसिडर हो रहा है इधर. आप लोग एज डॉट फैक्टर अलग से करके भी कर सकते थे. तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें कमोबिडिटी में आपका कमोबिडिटी 2 और 3 सिग्निफिकेंट है. मतलब कमोबिडिटी लेवल बी एंड सी आपका सिग्निफिकेंट है बट बाकी उतने सिग्निफिकेंट नहीं है. मार्जिनली सिग्निफिकेंट है लेवल 4 या लेवल डी. ठीक है. डिटरमाइन विच ऑफ द टू मॉडल्स इन 4 एंड 6. 6 में हमने सारे ले लिए एंड 4 में हमने
हिस्ट्री ऑपरेशन एज दिया था शुड बी प्रेफर्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द डिपेंडेंस ऑफ एडमिशन डेट. तो इसका आपका एआईसी कितना आ रहा है? इसका आपका एआईसी आ रहा है 114 माइनस 114 और उसका आ रहा था M1 का, आप लोग एक्सट्रैक्ट करके देख लेना, माइनस 108. तो और ज्यादा नेगेटिव है. मॉडल विथ 4 वेरिएबल्स कमोबिडिटी इंक्लूड करके हमारा माइनस 114 है. सो वी विल बी यूजिंग द मॉडल विच वी मेड इन ऑप्शन पार्ट 6. ठीक है. कैलकुलेट द प्रिडिक्टेड रेट ऑफ एडमिशन टू ICU. ये दिया हुआ है तो हम लोग न्यू डेटा बना लेंगे. डेटा डॉट फ्रेम. मेडिकल शॉर्ट मेडिकल हिस्ट्री के लिए क्या लिखते हैं? हिस्ट्री इक्वल्स, आप लोग या तो एक काम कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली ये वाले वेरिएबल्स भी उठा सकते हो. मतलब दिस इज इंटरसेप्ट, शॉर्ट हिस्ट्री है तो ये वाला नहीं आएगा टर्म हिस्ट्री वाला, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा. तो ये भी कर सकते हैं वैसे भी, एनी विच वे. नो रीसेंट सर्जिकल ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन भी जीरो है. ठीक है, तो ऑपरेशन भी नहीं लेंगे. एंड कमोबिडिटी इज बी. तो आई थिंक ये वाला मेथड प्रेफरेबल मुझे लग रहा है. आप लोग ऐसे करो, क्योंकि न्यू डेटा बनाएंगे ना तो थोड़ा हमें दिक्कत होगा, बिकॉज बी सी मतलब इतने सारे लेवल्स है ना. तो आप इक्वल्स टू कैसे लिख के बताओगे? आप ऐसे लिख के बताओगे कमोबिडिटी लेवल टू कर सकते हैं, वैसे लिख के बता सकते हैं. बट वो क्योंकि आपने इधर फैक्टर में चेंज किया तो थोड़ा इश्यू आ सकता है. तो हम ये ले लेंगे फॉर द इंटरसेप्ट. हिस्ट्री ऑपरेशन आएगा नहीं क्योंकि वो जीरो हो जाएगा. ये वाला लेंगे बिकॉज इट्स टू, तो टू के लिए ये ले लेंगे. बी का मतलब टू होता है ना. एंड मीडियन एज 62 बोला है, सो एज वाला ले लो, एज इंटू 62. दिस विल गिव यू द रेट, माइनस 2.7 इज द रेट, बट दिस इज नॉट द आंसर. दिस इज योर वॉट, लॉग ऑफ वाई. लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू ईटा होता है ना, क्योंकि हमने लिंक क्या लिया है, लिंक लॉग लिया है. तो ये लॉग ऑफ वाई है, हमें y निकालना है. तो y निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस करना पड़ेगा. ये इसका 1 मार्क था, ये नहीं करोगे तो 1 मार्क नहीं मिलेगा. GLM में हमने इधर लॉगरिदमिक लॉग लिया है ना, ऑब्वियसली द रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसका एक्सपोनेंशियल करेंगे और ये आ रहा है आंसर. ठीक है. कमेंट ऑन द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपका जो रेट है, दैट इज प्रोबेबिलिटी शुड बी बिटवीन 0 and 1 ऑफ एंट्री इनटू ICU, बट क्योंकि हमने लिंक लॉग लिया है, यू कैन गेट एन आंसर विच इज ग्रेटर देन 1. आप एक्सपोनेंशियल ऑफ कुछ करोगे तो आपको हो सकता है 1 से ज्यादा आंसर आए, विच इज रॉन्ग. आप लोग न्यू डेटा वाला यूज करके, प्रिडिक्ट यूज करके भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा ट्रिकी होगा बिकॉज उसमें आपके इतने सारे बन रहे हैं. तो आप ये वाला मॉडल यूज करना जहां आपने फैक्टर नहीं लिया है, शायद उससे आपको थोड़ा बेटर आंसर मिले, बट दैट्स नॉट करेक्ट आल्सो एक्चुअली. तो ये मेथड मुझे सही लगता है. अगर हमें प्रिडिक्ट यूज करना हो तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि ये वाला लेवल जीरो है, जैसे वो करेक्ट. हाँ, वो पूरा एज डॉट फैक्टर करके करना पड़ेगा. फिर आपको कमोडिटी को एज डॉट फैक्टर में चेंज करना होगा, फिर आप इसमें यूज कर सकते हो. दिस इज अ बेटर अप्रोच, बट लिंक लॉग था याद रखना. नहीं करोगे अगर एग्जाम में मिस हो जाते तो 1 मार्क ही काटेंगे, ज्यादा नहीं काटेंगे. एंड उसका लॉग का जनरली ये डिसएडवांटेज है कि आपका जो
प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, बट यहाँ पे ग्रेटर देन वन आ सकता है. ठीक है, बट मैम कोई ना जब इम्पोर्ट किया तो इम्पोर्टेड वाला डेटा तो फैक्टर ही दिखा रहा है. बट वो आंसर ठीक से लिया नहीं ना, इधर आया नहीं था ना आंसर सही से, इसीलिए तो हमने दोबारा करा था. तो इट्स बेटर कि हर टाइम जब भी फैक्टर है तो हम फैक्टर लेके ही करें, राइट? हाँ आया नहीं था ना इधर आंसर, इसीलिए आई थिंक मैंने कुछ गलत भी किया होगा. एक बार आप लोग ट्राई करो कि आप लोगों का भी सेम इश्यू है क्या, बिकॉज होना नहीं चाहिए आइडियली अगर एज अ फैक्टर इम्पोर्ट हुआ है. ठीक है मैम, ऑपरेशन को भी करेंगे फैक्टर मॉडल टू में? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज आई फील एक बार आप लोग ट्राई करो, मेरे को लगता नहीं कि नहीं करने से इट्स फाइन, क्योंकि उसमें एनीवेज दो वैल्यूज हैं, सेम आंसर आएगा. ठीक है, ये वाला पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको दोबारा बनाना. कोई डाउट आएगा तो आई विल टेक इट. चलो लेट्स डू इट टिल हियर.